अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आईएनडी टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कबल अज वक्त असेंबली चुनाव के मामले में अब ज्यादा ही संजीदा नजर आते हैं। रियासती हुकूमत के खुसूसी मुशीर राजीव शर्मा ने चीफ मिनिस्टर के मंसूबे पर तबादला ख्याल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने दिसंबर में 3 रियासतों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले असेंबली इंतखाबात के साथ तेलंगाना में भी इंतखाबात करवाने की पुरजोर वकालत की। रियासतों को मुकर्रर वक्त से 6 माह कबल इंतखाबात करने की सिफारिश का अख्तियार है और चीफ मिनिस्टर अपने इख्तियार से इस्तेफादा करने के कहा है। दूसरी तरफ मरकज भी मई के बजाय नवंबर और दिसंबर में पार्लियामानी इंतखाबात करवाने के इम्कान पर गौर कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 अगस्त की अपनी तकरीर से ही इलेक्शन मोड में आ गए हैं। उनका ख्याल है कि बीजेपी और मोदी की हक में जो लहर है उसको अभी कैच करवा लिया जाए, क्योंकि मई तक उसको बरकरार रखना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। बात का बतंगड़ बनाने में हमारे हैदराबाद को काफी शोहरत हासिल है। ऐसा ही कुछ पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुर में पेश आया, जहां लोग ज्यादा ही ओवरएक्ट हो गए। इसका खुलासा करते हुए चारमीनार होटल के मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि कुर्बानी के नाम पर लोगों से पैसे ले लेने की इत्तला गलत है और कहा कि उनके बाद मुखालिफिन ने थोड़ी सी कोताही को लेकर उनके खिलाफ वीडियो अपलोड करते हुए सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े जानवर में 2200 रुपए फी का हिस्से के हिसाब से उन्होंने बुकिंग ली और सबको डिलीवरी का एक ही टाइम दे दिया, जिससे लोग उनकी होटल के पास जमा हो गए और ताखिर को बहाना बनाकर पुलिस बहादुरपुर से भी रुजू हो गए। उन्होंने कहा कि कसाबों की अदम दस्तियाबी के बाद कुर्बानी के अमल में ताखिर हुई। कल शाम सैकड़ों लोगों को कुर्बानी का गोश्त दे भी दिया गया और आज भी कुर्बानी का गोश्त हवाले किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि कुर्बानी का अमल 3 दिन तक जारी रहता है, चुनाचे लोगों को कल भी गोश्त फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अरसे से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और कुर्बानी के नाम पर धोखा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुंबई के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर गुरुदास कामत का आज दिल्ली में एक खानगी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। वो 4 मरतबा जुनूबी मुंबई से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे और एक अरसे तक मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के सदर भी रह चुके हैं। वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाएतमाद रुफका में शामिल होते थे। मुमताज साहफी, जहदकार और अमन के पैगंबर कुलदीप नायर का आज 95 बरस की उम्र में दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो हिंदुस्तान टाइम्स और इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर भी रह चुके हैं। उन्हें राज्यसभा का भी मेंबर बनाया गया था और वो वीपी सिंह के दौर में बर्तानिया के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। मजाफाती इलाके महेश्वरम में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की एक जबरदस्त रैली 2 सितंबर को होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा और पार्टी के सरकर्दा कायदीन इससे खिताब करेंगे। रुकन असेंबली टी कृष्णा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि रैली में टीआरएस की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया जाएगा और ये चीफ मिनिस्टर की मकबूलियत को भी साबित करने का मौका होगा। पुराने शहर के कई मुस्लिम इलाके जैसे शाही नगर, एराकुंटा वगैरह महेश्वरम हल्के में आते हैं, जहाँ कृष्णा रेड्डी को कांग्रेस आई की सरकर्दा लीडर और साबिक वजीर दाखिला इंदिरा सबिता रेड्डी से मुकाबले का सामना होगा। नागार्जुना सागर डैम में पानी के बढ़ते हुए लेवल के पेश नजर आज लेफ्ट कैनाल से पानी छोड़ दिया गया। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी, आपाशी और जिले के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले निजामाबाद में जबरदस्त बारिश से खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले के किसान सबसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने रियासत हुकूमत से मुतालबा किया कि वह बारिश से होने वाले नुकसान की पाबजाई करे और मुतासरा किसानों को राहत फराहम करे। चिलगलगुड़े में कल रात एक अलमनाक हादसे में 2 लड़कियां फौत हो गईं। बताया जाता है कि 3 साला सीरिया और उसकी पड़ोसी पिल्लवी 3 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर खेल रही थी और सीरिया अचानक मुंडेर से गिरने लगी। पल्लवी ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की और उसके शर्ट को पकड़ लिया, लेकिन शर्ट फट जाने के बाद सीरिया नीचे गिर गई और उसके साथ पल्लवी भी गिर पड़ी। दोनों को रेलवे हॉस्पिटल लालागुड़े में ले जाया गया, जहाँ दोनों अपने जख्मों से जान पर ना हो सके। पुलिस चिलगलगुड़ा मसरूफ है तहकीकात। पुलिस पंजागुट्टा ने सरखे की 3 अलग अलग वारदातों में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। उनके कब्जे से 28 लाख रुपए मालियती सामान भी बरामद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पंजागुट्टा विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि राजस्थान के रहने वाले अरुण सिंह को
डायमंड नेकलेस और एयरिंग का सरका करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जिसकी मालियत 14,85,000 रुपए बताई जाती है, जो उसने पंजागुट्टे की एक ज्वेलरी शॉप को आए हुए ग्राहक की कार से चुरा लिए थे। काकीनाडा के टी सैमुअल राजीव को निम्स हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट से एक इनोवा कार जिसकी कीमत 12,00,000 रुपए बताई जाती है सरके के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 खवातीन वेंकटम्मा, ज्योति मंगम्मा और उसके साथी कृष्णा को GRTS ज्वेलर के पास से 1,00,000 रुपए मालियती चांदी की प्लेटों का सरका करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर रविंदर और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 15 अगस्त को किले गोलकुंडा से अपने खिताब में रीजनल रिंग रोड के अपने मंसूबे का ऐलान किया था, जिसे आज मरकजी NDA हुकूमत ने मंजूरी दे दी। मुल्क के अहम शहरों को जोड़ने वाली आउटर रिंग रोड के अंदरूनी हिस्से में तामीर होने वाली RRR यानी रीजनल रिंग रोड 500 फीट चौड़ी और 338 किलोमीटर तवील होगी। ये संगारेड्डी, गजवेल, छोटुप्पल, माल, करताल, शादनगर, चेवड़ला और खंडी का अहाता करेगी। तवक्को है कि ये काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। वाज़ेह है कि रियासती वजीर आपाशी व तामीरात टी हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट के कविता और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी मरकजी वजीर नितिन गडकरी से हाल ही में मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। बैनुल अवकामी कंपनी नवर्टीज के CEO वास नरसिम्हन ने आज रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामारो से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ने लाइफ साइंस और इकोसिस्टम के बशमूल कई उमूर और तजावीज पर तफसीली बातचीत की। KT रामारो ने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 4 बरस के दौरान 700 नए सरमाकार रियासत का रुख कर चुके हैं और 10,1200 करोड़ रुपए की नई सरमाकारी हुई है। नापतोल में कमी और GST की पुरानी कीमतों पर अशिया फरोख्त के खिलाफ मेट्रोलॉजी ने शॉपिंग मॉल्स और सुपरमार्केट्स पर छापे मारने की अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। आज मौके में मेट्रोलॉजी की 16 टीमों ने शहर के कई मुकाम में, जिनमें कोंडापुर, माधापुर, हाईटेक सिटी, कोमपल्ली, बच्चूपल्ली, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, नामपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, गच्चीबौली, कोकटपल्ली, बेगम बाजार, बेगमपेट और मियापुर में कई दुकानों, मार्केटों और इलेक्ट्रिकल शॉप पर धावे किए और 53 नए केसेस बुक किए हैं। इस तरह गुज़श्ता हफ्ते से शुरू करदा मुहिम के दौरान बुक किए गए केसेस की तादाद 125 हो गई है। आज जिन दुकानों में छापे मारे गए उनमें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू की मिल्कियत हेरिटेज सुपरमार्केट के अलावा बिग बाजार, स्पेंसर्स, महावीर इलेक्ट्रिकल शामिल हैं। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर अकुन सबरवाल ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने कई आइटम्स पर GST में कमी कर दी है, लेकिन दुकानात अभी भी वही पुरानी कीमत पर पुरानी GST पर अशिया फरोख्त कर रहे थे, इसलिए ऐसी दुकानात के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी हो गया था ताकि GST में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज राजभवन में गवर्नर ASL नरसिम्हन से मुलाकात की। वो कल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। उनके हमरा आला अहदेदार बशमूल चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे। दिल्ली में क्याम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजरा से मुलाकात करते हुए जरिए अल्तवा प्रोजेक्टों की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। वक्त से पहले इंतखाबात के पस मंजर में वजीर आला KCR के दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। सैलाब दत्ता रियासत केरला के मुतासरीन के लिए मजलिस की तरफ से 25,00,000 रुपए मालियती अदवियात और मेडिकल प्रोडक्ट्स रवाना की जा रही है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज इन पैकेजेस का मुआयना किया। उन्होंने कायद मखराना अकबरुद्दीन अवैसी, अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ की सिफारिश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, नहायत वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में
बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो गुजरात के दौरे पर हैं, आज जूनागढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीर किए जाने वाले 1,15,000 मकानात का संग बुनियाद रखा। इस सारी स्कीम पर 500 करोड़ रुपए के मसारे फायद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेफादा कुनिंदों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि वो 2022 तक हर गरीब खानदान को घर फराहम करने का मंसूबा रखते हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और बीजेपी के सरकर्दा खैरुद्दीन भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। केरला में सैलाब में कमी के बाद अब सबसे बड़ा काम राहत को इमदाद और साफ पानी की फराहमी है। 50,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं। आवाम को अमराज से बचाने सैलाब ज़दा इलाकों में अदवियात का छिड़काव किया जा रहा है और दवाओं की तकसीम भी अमल में आ रही है। शहरियों को उनके घर वापस लाने के इंतजाम भी किए गए हैं। रियासत में सदी के सबसे बड़े सैलाब में 350 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को आज लखनऊ के गोमती नदी में बहा दिया गया। उनकी मुंह बोली बेटी निमरता ने यह रस्म अदा की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, गवर्नर उत्तर प्रदेश राम नायक और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि वाजपेयी जी का 16 अगस्त को दिल्ली में देहांत हो गया था। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने आज दोबारा वजारत फाइनेंस के खलमदान की जिम्मेदारी संभाली। 3 माह कबल गुर्दे की तब्दीली के बाद से वो मुकम्मल आराम कर रहे थे। उनके गैब में वजीर रेलवे पीयूष गोयल वजारत फाइनेंस की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में जारी 15वें एशियन गेम्स में 15 साल शादरुल शाहिद शूटिंग के मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ और उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। टेनिस में अनिता रमीस ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह अब तक भारत को जुमला 15 मेडल्स मिले हैं। एशियन गेम्स में जो जकार्ता में जारी हैं कबड्डी के मुकाबलों में ईरान ने भारत को हरा दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबला शुरू से ही दिलचस्प था। ईद उजा के मौके पर साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा, जो दरगाह हजरत बल में नमाज अदा करने के लिए आए थे। आवाम के मुसलसिल नारेबाजी के बाद फारूक अब्दुल्ला खुतबा सुने बगैर ही वापस हो गए। बिहार के गवर्नर सत्या मलिक को वीएन वोरा की जगह जम्मू कश्मीर का 13वां गवर्नर मुकर्रर किया गया है। आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया। इस तकरीब में सिविल और फौजी अहदेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली में बुद्ध मत पर होने वाली 8वीं आलमी कॉन्फ्रेंस का अफ्तिताह किया, जिसमें दुनिया भर से बुद्ध मत के मानने वाले शरीक हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बुद्ध मत की जाए पैदाइश है और ये दुनिया के कदीम तरीन मजाहब में शामिल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।